हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करने जा रहे हैं जॉन ड्राइडन पे एमसीक्यू। जॉन ड्राइडन एज अ पोएट हम देखेंगे आज। जॉन ड्राइडन पे एज अ ड्रामेटिस्ट हम ऑलरेडी एमसीक्यू कर चुके हैं, एक वीडियो ऑलरेडी है जॉन ड्राइडन पे। आज की वीडियो में हम जॉन ड्राइडन की पोइट्रीज पर एमसीक्यू करेंगे। सो आज की वीडियो में हम टोटल 50+ एमसीक्यू करने जा रहे हैं। ऑलरेडी जॉन ड्राइडन के ड्रामास और क्रिटिकल वर्क्स पे 50 एमसीक्यू इस चैनल पे अवेलेबल हैं। सो टोटल जॉन ड्राइडन पे 100 एमसीक्यू आपको मिल जाते हैं और ये 100 एमसीक्यू बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे आपके अपकमिंग टीचिंग एग्जाम्स के लिए। सो विदाउट मच अडू लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन है, लाइफ स्पैन ऑफ जॉन ड्राइडन वॉज। जॉन ड्राइडन का लाइफ स्पैन क्या था? सो जॉन ड्राइडन का लाइफ स्पैन था 1631 टू 1700। सो जॉन ड्राइडन पैदा हुए थे 19 अगस्त 1631 में और उनकी डेथ हुई थी 12 मई 1700 को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एज जॉन ड्राइडन बिलोंग्स टू। जॉन ड्राइडन किस एज को बिलोंग करते थे? ये बिलोंग करते थे रिस्टोरेशन एज को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब्सालोम एंड अकीटोफेल इज। सो अब्सालोम एंड अकीटोफेल क्या था? अ सटायर, मॉक हीरोइक नैरेटिव और अ पॉलिटिकल एलेगरी। सो अब्सालोम एंड अकीटोफेल ये तीनों ही चीज़ें था, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ऑल ऑफ दीज। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन हिज पोम मैक फ्लेक्नोई ड्राइडन सटायराइजेस। सो ड्राइडन अपनी पोम मैक फ्लेक्नोई में किसको सटायराइज करते हैं? सो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, थॉमस शेडविल को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन हिंद एंड पैंथर विच टू रिलीजन हिंद एंड पैंथर स्टैंड्स फॉर। हिंद एंड पैंथर जो कि एक रिलीजियस पोम है, इसमें हिंद और पैंथर किसके लिए स्टैंड करते हैं? सो हिंद स्टैंड करता है इसमें रोमन कैथोलिक के लिए और पैंथर स्टैंड करता है प्रोटेस्टेंट के लिए। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हियर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्राइडन्स एस्ट्रिया रिडक्स वॉज रिटन इन। सो ड्राइडन की पोम एस्ट्रिया रिडक्स कब लिखी गई थी? सो एस्ट्रिया रिडक्स लिखी गई थी 1660 में और इसे हम रॉयल पैनेजेरिक भी कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्राइडन्स एस्ट्रिया रिडक्स वॉज रिटन इन सेलिब्रेशन ऑफ। सो ये लिखी गई थी इन द सेलिब्रेशन ऑफ रिटर्न ऑफ किंग चार्ल्स टू। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबटाइटल ऑफ ड्राइडन्स एस्ट्रिया रिडक्स इज। एस्ट्रिया रिडक्स का सबटाइटल क्या है? सो एस्ट्रिया रिडक्स का सबटाइटल है ऑप्शन ए, अ पोम ऑन द हैप्पी रिस्टोरेशन एंड रिटर्न ऑफ हिज सेकंड मैजेस्टी चार्ल्स टू। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पोम ड्राइडन रोट ऑन द कॉरोनेशन ऑफ चार्ल्स टू। सो चार्ल्स टू के कॉरोनेशन यानी कि राज्याभिषेक पर कौन सी पोम ड्राइडन द्वारा लिखी गई थी? सो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, टू हिज सेक्रेट मेजेस्टी। सो टू हिज सेक्रेट मेजेस्टी इज रिटन ऑन द कॉरोनेशन ऑफ चार्ल्स टू और चार्ल्स टू के रिटर्न पे कौन सी लिखी गई थी? एस्ट्रिया रिडक्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पोम ड्राइडन रोट ऑन द डेथ ऑफ चार्ल्स टू। चार्ल्स टू की डेथ पे जॉन ड्राइडन ने कौन सी पोम लिखी थी? सो उस पोम का नाम है थ्रिनोडिया ऑगस्टलिस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म। सो फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म कहा जाता है जॉन ड्राइडन को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु कॉल्ड ड्राइडन द फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म। ड्राइडन को किसने कहा फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म? सो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, जॉन ड्राइडन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, All human things are subject to decay and when fate summons monarch must obey. These are the opening lines of. So ये किस poem की opening lines हैं? So correct answer है इस question का option A, मैक फ्लेक्नोई की opening lines हैं ये। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, central theme of Dryden's हिंद एंड पैंथर is. John Dryden की poem हिंद एंड पैंथर की सेंट्रल थीम क्या है? सो सेंट्रल थीम है डिफेंस ऑफ रोमन कैथोलिसिज्म। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु कॉल्ड ड्राइडन ग्लोरियस जॉन। जॉन ड्राइडन को ग्लोरियस जॉन किसने कहा था? करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, वॉल्टर स्कॉट ने। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु ट्रांसलेटेड वर्जिल्स एनियड। वर्जिल की एनियड का ट्रांसलेशन किसने किया था? जॉन ड्राइडन ने। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरोइक स्टैंजास ऑन द डेथ ऑफ क्रॉमवेल
इज रिटन बाय, सो क्रॉमवेल की डेथ पे हीरोइक स्टैंजास किसने लिखे थे? सो ये भी लिखे थे जॉन ड्राइडन ने। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किंग डेविड इज अ कैरेक्टर अपीयर्स इन ड्राइडन्स, सो किंग डेविड नाम का कैरेक्टर ड्राइडन की कौन सी पोम में आता है? सो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, अब्सालोम एंड अकीटोफेल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ ड्राइडन्स पोम हैज़ अ पोपिश प्लॉट, जॉन ड्राइडन की कौन सी पोम में एक पोपिश प्लॉट है? सो इसका भी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, अब्सालोम एंड अकीटोफेल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्राइडन वॉज अपॉइंटेड पोएट लॉरेट इन द एयर, सो ड्राइडन को किस ईयर में पोएट लॉरेट बनाया गया था? सो ड्राइडन को बनाया गया था 1668 में, और इन्हें फर्स्ट ऑफिशियल पोएट लॉरेट भी कहा जाता है, और फर्स्ट अनऑफिशियल किसे कहा जाता है? बेन जॉनसन को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्राइडन लॉस्ट हिज लॉरेटशिप टू शेडवेल इन द ईयर, कौन से ईयर में जॉन ड्राइडन ने अपनी पोएट लॉरेटशिप लॉस्ट की थी शेडवेल को? सो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, 1688 में। 1668 में ड्राइडन पोएट लॉरेट बने थे, और जस्ट आफ्टर 20 ईयर्स ऑफ हिज लॉरेटशिप ही लॉस्ट हिज पोएट लॉरेटशिप, और थॉमस शेडवेल जिन्हें उन्होंने मैकफ्लेक्नोई में सटायराइज किया है, उनको यहाँ पर पोएट लॉरेट बनाया जाता है 1688 में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्राइडन्स पोम एन एसे अपॉन सटायर अटैक्स ऑन, सो ड्राइडन की पोम एन एसे अपॉन सटायर किस पर एक अटैक है? सो ये अटैक है किंग चार्ल्स टू पर भी और अर्ल ऑफ रोचेस्टर भी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ए एंड बी बोथ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज ड्राइडन्स लास्ट वर्क, इनमें से कौन सा जॉन ड्राइडन का लास्ट वर्क है? सो जॉन ड्राइडन का लास्ट वर्क है फेबल्स एंशिएंट एंड मॉडर्न, और ये आया भी था 1700 में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सैड आई एडमायर ड्राइडन्स टैलेंट एंड जीनियस ग्रेटली बट ही इज नॉट अ पोएटिक जीनियस, ये कहा है जॉन ड्राइडन के बारे में विलियम वर्ड्सवर्थ ने। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हिंद एंड द पैंथर 1687 बाय ड्राइडन इज अ, सो द हिंद एंड द पैंथर एक रिलीजियस पोम है, और साथ ही में ये एक बीस्ट फेबल भी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हिंद एंड द पैंथर सेलिब्रेट्स ड्राइडन्स कन्वर्जन टू, सो द हिंद एंड पैंथर सेलिब्रेट करती है ड्राइडन का रोमन कैथोलिसिज्म में कन्वर्ट होना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉलोइंग लाइंस अकर्ड इन ड्राइडन्स, सो ये जो लाइंस हैं ये ड्राइडन की किस पोम में आती हैं? ग्रेट विट्स आर टू मैडनेस नियर अलाइड एंड थिन पार्टीशन डू देयर बाउंड्स डिवाइड, सो ये लाइंस आती हैं अब्सालोम एंड अकीटो फेल में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु कॉल्ड शेक्सपियर द ग्रेटेस्ट एंड द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव सोल, सो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, ड्राइडन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सेड व्हाट प्लीज द ग्रीक्स वुड नॉट सेटिस्फाई एन इंग्लिश ऑडियंस, सो ये भी कहा था जॉन ड्राइडन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्राइडन वेलकम द न्यू रेजिम ऑफ चार्ल्स टू विथ, सो चार्ल्स टू के न्यू रेजिम को ड्राइडन ने किन पोम्स के साथ में वेलकम किया था? एस्ट्रियरिडक्स, टू हिज सेक्रेट मेजेस्टी, टू माई लॉर्ड चांसलर, और ऑल ऑफ दीज। सो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। ये सभी पोम जॉन ड्राइडन ने लिखी हैं चार्ल्स टू को वेलकम करने के लिए, चार्ल्स टू को प्लीज करने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सेड ड्राइडन वॉज द एंसेस्टर ऑफ नियरली ऑल दैट इज बेस्ट इन पोइट्री ऑफ द 18th सेंचुरी, सो ये स्टेटमेंट है T.S. Eliot का अबाउट जॉन ड्राइडन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पोम ऑफ ड्राइडन डिस्क्राइब अबाउट इंग्लिश डिफीट ऑफ डच नेवल फ्लीट एंड द ग्रेट फायर ऑफ लंदन, सो इस पोम का नाम है एनस मिराबिलिस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट द मेडल इन 1682, सो द मेडल नाम की पोम लिखी है जॉन ड्राइडन ने। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्राइडन इज नोन एज, ड्राइडन को जाना जाता है एज द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ अ लिटिल एज करके। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्राइडन्स अब्सालोम एंड अकीटोफेल इज अ कॉमेडी, पॉलिटिकल एलिगरी, रिलीजियस ट्रैक्ट,
कॉमिक वर्स इन एपिक. सो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, पॉलिटिकल एलेगरी है अब्सालोम एंड अकीतोफेल. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट पोएट लॉरेट ऑफिशियली अपॉइंटेड बाय ब्रिटिश सॉवरेन. सो करेक्ट आंसर होगा इसका जॉन ड्राइडन. और अगर पूछा जाए कि फर्स्ट पोएट लॉरेट कौन है इंग्लिश लिटरेचर में, तो वो हैं बिन जॉनसन, लेकिन ऑफिशियली अपॉइंटेड फर्स्ट पोएट लॉरेट हैं जॉन ड्राइडन. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच वर्क डू वी फाइंड द कैरेक्टर ऑफ जिमरी. सो जिमरी का कैरेक्टर हमें मिलता है अब्सालोम एंड अकीतोफेल में. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पोम इज रिटन बाय ड्राइडन इन रिस्पॉन्स टू फादर रिचर्ड्स साइमंस बुक. सो रिचर्ड साइमंस की बुक के रिप्लाई में जॉन ड्राइडन ने कौन सी पोम लिखी थी. सो इस पोम का नेम है रिलीजियो लेसी. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबटाइटल ऑफ ड्राइडन्स रिलीजियो लेसी इज. जॉन ड्राइडन की पोम रिलीजियो लेसी का सबटाइटल क्या है. सो सबटाइटल है इस पोम का अ लेमैन्स फेथ. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पोम इज नॉट रिटन बाय ड्राइडन. ड्राइडन के द्वारा इनमें से कौन सी पोम नहीं लिखी गई है. सो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, अब्सालोम. अब्सालोम इज अ वर्क बाय विलियम फॉकनर. इसके सिवा तीनों पोम जॉन ड्राइडन ने लिखी हैं. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज ड्राइडन रेफरिंग इन दिस रिमार्क, हियर इज गॉड्स प्लेंटी. सो हियर इज गॉड्स प्लेंटी ड्राइडन ने कहा है जॉफरी चौसर के लिए, और जॉफरी चौसर को ड्राइडन ने ही कहा है फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच पोम्स प्रीफेस ड्राइडन सेज दैट द एक्सप्रेशन ऑफ अ पोम डिजाइन प्योरली फॉर इंस्ट्रक्शन ऑट टू बी प्लेन एंड नेचुरल येट मैजेस्टिक. सो ये ड्राइडन ने कहा है रिलीजियो लेसी के प्रीफेस में. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेडल बाय ड्राइडन इज अ पर्सनल सटायर ऑन. सो द मेडल नाम की जो पोम है वो एक पर्सनल सटायर है किस पर. सो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, शाफ्ट्सबरी पर. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सॉन्ग फॉर सेंट सिसिलियास डे बाय ड्राइडन इज अ एन. सो अ सॉन्ग फॉर सेंट सिसिलियास डे एक ओड है. ड्राइडन ने केवल दो ओड लिखे हैं जिनमें से पहला ओड है अ सॉन्ग फॉर सेंट सिसिलियास डे और दूसरा ओड है अलेक्जेंडर्स फीस्ट. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सब टाइटल ऑफ अनदर ओड अलेक्जेंडर्स फीस्ट बाय ड्राइडन. सो जो दूसरा ओड है अलेक्जेंडर्स फीस्ट, इसका सब टाइटल है द पावर ऑफ म्यूजिक. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलेक्जेंडर्स फीस्ट बाय ड्राइडन इज रिटन टू सेलिब्रेट. सो अलेक्जेंडर्स फीस्ट लिखा गया है सेंट सिसिलियास डे को सेलिब्रेट करने के लिए. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वर्क इज अ कलेक्शन ऑफ क्लासिकल एंड मिडाइवल पोइट्री बाय ड्राइडन. ड्राइडन का कौन सा वर्क क्लासिकल और मिडाइवल पोइट्री का एक कलेक्शन है. सो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, फेबल्स एंशिएंट एंड मॉडर्न. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज सटायराइज्ड इन मैकफ्लेक्नो. सो मैकफ्लेक्नो में किसे सटायराइज किया गया है. मैकफ्लेक्नो में सटायराइज किया गया है थॉमस शेडविल को. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेयरवेल टू लिटिल एंड टू लेटली नोन हुम आई बिगिन टू थिंक एंड कॉल माई ओन आर द ओपनिंग लाइन्स ऑफ. सो ये ओपनिंग लाइन्स हैं टू द मेमोरी ऑफ मिस्टर ओल्डहैम की. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू द मेमोरी ऑफ मिस्टर ओल्डहैम बाय जॉन ड्राइडन इज एन. सो ये है एक एलिजी जो कि लिखी गई है ऑन द डेथ ऑफ मिस्टर ओल्डहैम. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्राइडन्स हिंद एंड पैंथर इज रिटन इन. ड्राइडन की जो हिंद एंड पैंथर है इसे कितने पार्ट्स में लिखा गया है. सो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी, थ्री पार्ट्स. और इसे हम कहते हैं अ पोम इन थ्री पार्ट्स. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुल टाइटल ऑफ मैकफ्लेक्नो इज. मैकफ्लेक्नो का फुल टाइटल क्या है. सो करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए, अ सटायर अपॉन द ट्रू ब्लू प्रोटेस्टेंट पोएट टीएस. टीएस यहाँ पे स्टैंड करता है थॉमस शेडविल के लिए. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजी एंड डीओईजी स्टैंड्स फॉर.
ओजी एंड डीओजी स्टैंड करते हैं शेडविल एंड एल्फना सेटल के लिए। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, ड्राइडन डाइड ऑन। जैसा कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि ड्राइडन का जन्म हुआ था 19 अगस्त 1631 में और इनकी डेथ हुई थी 12 मई 1700 में। सो फ्रेंड्स, ये थे 54 इम्पॉर्टेंट MCQ ऑन जॉन ड्राइडन, जो कि बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।